जय स्वामीनारायण। टुडे वी स्टडी द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एग्जांपल्स। ओके, यहाँ पे आगे हमने थियरी देखी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, देन एग्जांपल्स देखे। आज दूसरा दूसरे टाइप के एग्जांपल लेंगे। ए थ्री स्पान कंटिन्यूस बीम, दैट मीन्स आगे जो एग्जांपल्स थे उसमें क्या था, एक एंड फिक्स था, दूसरा फ्री था, दोनों फिक्स था। अभी इसमें क्या है, डिफ्लेक्शन वगैरह भी दिया है, तो उसका भी कैलकुलेशन कैसे करना है वो सब इसमें है। ओके, ए थ्री स्पान कंटिन्यूस बीम ए बी सी डी इज सिंपली सपोर्टेड एट ए एंड बी एंड लोडेड एज सून इन द फिगर। इफ द सपोर्ट ए सेटल्स बाय 10 mm, बी सेटल्स बाय 20 mm, एंड सी सेटल्स बाय 20 mm, प्लॉट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड स्केच डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम। टेक ई इज इक्वल टू 2 × 10^5 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड आई इज इक्वल टू 2.4 × 10^6 mm^2। अभी फिक्स एंड मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए क्या फिक्स एंड मोमेंट है, आपको दिया है ए सेटल बाय 10, बी सेटल बाय 30, दैट मीन्स नेट डिफ्लेक्शन कितना हुआ, 20 हुआ। तो आपको वो यहाँ पे रखना होगा, 20 mm है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ई का वैल्यू है, आई का वैल्यू है। ओके, देन यहाँ पे आपको फॉर्मूला लेना है, एम एफ ए बी इज इक्वल टू -WL/8 माइनस ई। आप फॉर्मूला देखो तो उसमें पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, तो आगे जो भी हमने फॉर्मूलाज ली थी उसमें जो भी साइन है वो लेनी है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिया है इसलिए साइन कैसा होगा, डिफ्लेक्शन डेल्टा 10 mm है। ओके, और इसमें रिफ्लेक्शन 30 mm है, तो उसका फॉर्मूला एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा आपके पास, 6EI/L² एंड 6EI/L². ओके, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो क्या आएगा, -WL/8 माइनस जो भी आगे फॉर्मूला दिए ना उसमें आप देख लेना, यहाँ पे सपोर्ट ए पे कोई सेटलमेंट नहीं है और बी पे है, तो उसमें अपोजिट साइन दिया हुआ, जबकि इसमें और साइन ऐसा दिया है। ओके, तो क्या आएगा, -WL/8 -6EI/L², तो आपके पास W का वैल्यू है 8, L का वैल्यू है 3/8, -6EI का वैल्यू हम आगे मैंने कैलकुलेट किया है वो आप देख ले, हम दिखा देते हैं। ओके, डेल्टा का वैल्यू है 0.020/L², तो आपको फॉर्मूला मिला, जो भी वैल्यूज मिला एम एफ ए बी दैट इज -9.4 kN/m, एम एफ बी ए, तो एम एफ बी ए में क्या करना है, तो बी टू ए बी और बी टू ए, तो बी टू ए है तो अगेन उसमें माइनस ही साइन आएगा। WL/8 -6EI/L², दैट मीन्स 3 - 6.4। ओके, तो -3.4 kN/m। उसी तरह से एम एफ बी सी, तो एम एफ बी सी का वैल्यू क्या है, इसमें UDL है तो -WL²/12। ओके, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिया है। ओके, तो डिफ्लेक्शन 30 है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है, 20 है, तो कैसी मोमेंट मिलेगी, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी मोमेंट मिली, एंटी क्लॉकवाइज। तो और यहाँ पे डिफ्लेक्शन, ये बी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट है, तो सी पे डिफ्लेक्शन कितना है, 20, और बी पे डिफ्लेक्शन कितना है, 30, तो नेट हमें डिफ्लेक्शन कितना मिला है, 10 mm। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो मोमेंट हमारी यहाँ पे 10 जो भी मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज में मिलेगी दोनों साइड, और जबकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है, 20 है और यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे मोमेंट कैसे मिलेगी, क्लॉकवाइज मिलेगी। ओके, तो एम एफ बी इज इक्वल टू WL/8 -6EI/L². ओके, तो 3.3 - 6.4 वो आपने कर दिया, एम एफ बी सी -WL²/12 +6EI/L² ओके, तो क्लॉकवाइज मोमेंट है इसीलिए हमने +6EI/L² दिया है। तो क्या आएगा, -2, W का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 × L² कितना है, दैट इज 3² / 12 प्लस हमारे पास इसकी वैल्यू है, EI की वैल्यू 480 है, डिफ्लेक्शन नीट डिफ्लेक्शन जो आता है वो लेना है 0.0103²
तो कितना मिलेगा, -1.5 +3.2 दैट इज 1.7 किलो न्यूटन मीटर। ई का वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ओके ई का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁵ × 2.4 × 10⁶। ओके तो यहाँ पे 4.8 × 10⁻¹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर -9 तो किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 4.8 × 10⁻²² किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर दैट इज 480 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। MFBC is equal to this value is 1.7 kilo Newton meter. MFCB is equal to plus W square by 12 plus 6 CI delta by L square. Okay, 4.7 kilo Newton meter square. यहाँ पे MFCB find out करना है, तो इसका भी formula है minus WD square by L square. तो यहाँ पे आप देख सकते हो reflection, इसमें भी again क्या है, यहाँ पे reflection 0 है और यहाँ पे reflection है, तो clockwise moment मिलेगा, तो दोनों में आपको clockwise moment लेना है। तो क्या आएगा, -WB² / L² प्लस 6CI/L². ओके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सीरियल नंबर जॉइंट मेंबर के सिग्मा के डीएफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट नंबर बी की बात करें, तो बी में क्या है, एक साइड फ्री है और एक साइड फिक्स गिनना पड़ेगा आपको। तो एक साइड फ्री है तो 3I/L और एक साइड फिक्स है तो 4EI/L। तो आपको मिलेगा L कितना है, 3 है, तो 3 का वैल्यू रख दो। एक का वैल्यू कितना मिलेगा, ई आई, दूसरा का वैल्यू 1.33 EI, टोटल 2.33 EI। के बाय सिग्मा के हमारे पास फॉर्मूला है, ओके तो के बाय सिग्मा के हमारे पास फॉर्मूला है वो अप्लाई करो, तो के दैट मीन्स ई आई डिवाइड बाई 2.33 EI, तो 0.23 एंड 1.33 EI डिवाइड बाई 2.33 दैट मीन्स 0.57। उसी तरह से सी बी और सी डी, तो सी बी में अगेन आप देख सकते हो, तो एक साइड फिक्स है और यहाँ पे क्या लेना है, 3 EI, तो यहाँ पे 4 EI और यहाँ पे क्या आएगा, 3 EI आएगा। तो 4 EI by 3, 1.33 EI and 3I by L that is 3I divided by 3 that is EI, so 2.33 EI. so distribution factor is equal to 0.57, 0.43 and E and D है वो simply supported है, इसलिए so distribution factor क्या आएगा, 1 आएगा। अभी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे लिख देना है, जो भी हमने फाइंड आउट किया फ्री एंड मोमेंट वो लिख देना है। तो अभी यहाँ पे ई और डी सपोर्ट है वो सिंपली सपोर्टेड है, सिंपल सपोर्ट है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बैलेंस ए बी एंड कैरी ओवर टू बी एंड सी। तो बैलेंस इसको करने के लिए -8.4 लेना पड़ेगा और इसको बैलेंस करने के लिए +9.4 लेना पड़ेगा। तो उसको जो भी है, ओके 8.4 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स -8.4 डिवाइड बाय माइनस है, तो यहाँ पे जो भी साइन है उसको माइनस लेके तो लेंगे तभी मोमेंट वहाँ पे जीरो होगा। तो आपको -8.4 डिवाइड बाय कैरी ओवर दैट मीन्स आपको हाफ करना पड़ता है, तो -8.4 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स -4.2 और उसी तरह से 9.4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4.7। अभी क्या करना है, टोटल करना है दैट इज फॉर इनिशियल मोमेंट्स। तो यहाँ पे जीरो, ये दोनों का समेशन करेंगे तो ये मिलेगा 4.7, 1.7 -3.4, 4.7 -3.4 दैट इज 1.3। यहाँ पे जीरो आएगा। अगेन आपको क्या करना है, बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी मोमेंट है, ओके 4.7 -1.8 जो भी आया, ओके तो उसका जो भी साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव साइन आया तो नेगेटिव कंसीडर करना है, दैट मीन्स 4.7 -1.8, ओके तो जो भी आया उसको नेगेटिव लेके उसके साथ 0.57 के साथ मल्टीप्लाई करो, उसी तरह 4.7 -1.8 इंटू 0.43 और जो भी आया उसको -10 में कंसिडर करो। उसी तरह से यहाँ पे 1.3 प्लस 1.7 ओके जो भी आया हो, ओके तो उसको उसमें जो भी साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा पर बट आपको नेगेटिव लेना है। तो 1.3 प्लस 1.7 दैट मीन्स 3 आएगा, 3 इंटू 3 को -3 लेना है, -3 इंटू 0.43 एंड -3 इंटू 0.57, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, कैरी ओवर करना है दैट मीन्स जो भी आंसर मिला उसको हाफ करना है।
यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ऑब्वियसली जीरो आएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे जीरो ले लेना है। ओके यहाँ पे -1.66 है तो उसका हाफ करेंगे, और यहाँ पे -1.71 तो यहाँ पे हाफ करेंगे, बिकॉज अभी जो भी एंड है वहाँ पे मोमेंट जीरो ही लेना है। तो माइनस का हाफ करके लेने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वहाँ पे मोमेंट जीरो ही रखना है इसीलिए। ओके तो अगेन सेम प्रोसीजर, बैलेंस तो जो भी -0.83 है उसको 0.43 और 0.57 के साथ मल्टीप्लाई करो और प्लस साइन ऐड करो तो यहाँ पे मिलेगा। अगेन 0.85 है तो 0.85 है तो उसको 0.57 0.43 के साथ मल्टीप्लाई करो, और नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ओके तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको लेना पड़ेगा। ओके यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये साइन माइनस करना मेरा रह गया है, इसको कैरी ओवर करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना चाहिए, तो आपके पास आंसर आएगा ये माइनस में है -0.85 एंड +0.049, तो दोनों का समेशन करके कैरी ओवर करके फिर अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरा आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है 0.49 एंड 0.36, तो अगेन हमने कैरी ओवर किया देन बैलेंस किया तो 0.85 है, दैट इज माइनस है, माइनस है इसीलिए यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे मैं माइनस रखना मेरा रह गया है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस को अगेन आप कैरी ओवर बैलेंस करोगे तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उसका जो भी है साइन वो पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से ये नेगेटिव है तो नेगेटिव जो भी वैल्यू है उसको 0.43 0.57 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यूज कितनी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो इस दोनों का समेशन ये आप यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो फॉर -0.85 +0.49 तो 0.24 समथिंग आएगा। ओके उसी तरह से यहाँ यहाँ पे कैरी ओवर, कैरी ओवर दैट मीन्स यहाँ से ये मैंने किया, यहाँ से ये किया कैरी ओवर, पॉइंट 0.85 बैलेंस कैरी ओवर, बैलेंस कैरी ओवर करना है फिर फाइनल मोमेंट करना है। तो इसमें 0.47 माइनस डिवाइड बाई टू करेंगे, 0.49 डिवाइड बाई टू करेंगे, उसी तरह से यहाँ पे, और फिर फाइन फिर अगेन बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू है 0.24, 0.24 है उसको माइनस साइन लेके उसको 0.57 0.46 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसी तरह से 0.25 है तो उसकी माइनस साइन -0.25 -0.25 0.43 0.57 और देन फाइनल मोमेंट आपको मिलेगी 0.26 -0.26 2.82 -2.820, दैट इज योर फाइनल मोमेंट। तो मोमेंट एट ए भी कितना है, जीरो है, मोमेंट एट बी ए कितना है 0.26 किलो न्यूटन मीटर है पॉजिटिव, देन मोमेंट एट बी सी -0.26 किलो न्यूटन मीटर एम एफ सी बी, और मोमेंट एट सी बी कितना है 2.82, और मोमेंट एट सी बी कितना है दैट इज -2.82, और डी सी कितना है दैट इज जीरो। मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फर्स्ट स्पान में सेंट्रल पॉइंट लोड है तो डब्ल्यू एल बाई 4 आएगा, सेकेंड में क्या कितना आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आएगा, और थर्ड जो है थर्ड में भी अगेन आपके पास कौन सा है डब्ल्यू ए बी बाई एल है तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटर में डब्ल्यू ए बी बाई एल आएगा, और आपने जो भी दूसरी मोमेंट फाइंड आउट की है उसका वैल्यू हमारे पास है दैट इज योर नेगेटिव मोमेंट, तो डब्ल्यू एल बाई 4 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 एंड डब्ल्यू ए बी बाई एल। ओके तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको दिया है कि यहाँ पे 10 है देन यहाँ पे 30 है देन यहाँ पे 20 है यहाँ पे 0 है, तो उस तरह से हमने डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ किया है। ओके एनालाइज कंटिन्यूस बीम ए बी सी डी एज शोन इन फिगर, इफ ए रोटेट्स बाय 0.002 रेडियंस क्लॉकवाइज एंड सपोर्ट बी सिंक बाय 4 mm, टेक ई इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड आई इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁷ mm⁴। यहाँ पे आपको एक बीम दिया है उसमें एक एंड है फिक्स है, दूसरा जो लास्ट वीक सपोर्ट है दैट इज फ्री दैट इज सिंपल सपोर्ट और ए है दैट इज फिक्स सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ई आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ई का वैल्यू कितना है 200 किलोमीटर इंटू एम एम स्क्वायर,
देन आई का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻⁷, m² तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, 18 × 10⁻² न्यूटन इंटू mm², तो आपको 200 किलो न्यूटन है। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए × 10³ करना पड़ेगा और 9 × 10⁷, तो आपको क्या मिला, 18 × 10⁻² न्यूटन इंटू mm², 18 × 10⁻²⁻⁹। तो अभी न्यूटन है उसको किलो न्यूटन और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, किलो न्यूटन को न्यूटन में करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो भी mm है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मीन्स −10⁹ आएगा। तो 18 × 1000 किलोमीटर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 18,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, और थीटा ए कितना है, 0.02 रेडियन है, और डेल्टा भी कितना है, 4 mm, दैट मीन्स 0.04 मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो बी में कोई लोडिंग वगैरह दिया नहीं है, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो एम एफ ए बी इज इक्वल टू, आपको थीटा ए कितना दिया है तो उसकी फॉर्मूला आगे है ही, तो जो भी मैंने थियरी चलाई थी उसमें फॉर्मूला है कि आपके आपको रोटेशन दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, रोटेशन नहीं दिया है तो रोटेशन डिफ्लेक्शन दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अलग अलग फेस के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज दी हुई है आपको। एम एफ ए बी जो भी हमारे पास फिक्स एंड मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज है वो सब दी है, उसको जस्ट फॉलो करना है। एम एफ ए बी इज़ इक्वल टू 4 EI AB इंटू थीटा ए डिवाइड बाई L−6 CI AB डेल्टा ए डिवाइड बाई L². तो 4 EI का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, थीटा ए का वैल्यू कितना है, 0.002 है। ओके, और यहाँ पे ई कितना, आई कितना है, दैट इज 2I है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा है, डिवाइड बाई 4 − 6 EI AB, 6 EI AB इंटू डेल्टा। ओके, तो 6 EI AB यहाँ पे 6 EI AB इंटू डेल्टा डिवाइड बाई L², तो कितना आएगा, 54 आएगा। तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी होगी, 54 होगी। तो यहाँ पे जो भी है, ओके, यहाँ पे भी 6 EI CI और ये वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू होगी, माइनस अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे जो भी वैल्यू है मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, दैट इज −24, 54 वैल्यू है, जहाँ ये जो भी वैल्यू फाइंड आउट किया है ये सेम टू सेम वैल्यू है। यहाँ पे −54 है इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन मीटर। एम एफ बी इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला क्या है, तो 2 EI AB इंटू थीटा ए डिवाइड बाय एल −6 EI AB डेल्टा डिवाइड बाय L², तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे 18 किलो न्यूटन मिलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, −18 किलो न्यूटन मीटर। उसी तरह से एम एफ बी सी, तो एम एफ बी सी में आपको अगेन बी इज सेटर बाई दिस है, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या है, 6 CI BC इंटू डेल्टा डिवाइड बाय L². तो आई का वैल्यू क्या है, 4 I है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है, डेल्टा 0.04 है। ओके, डिवाइड बाय L² दैट मीन्स L². डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जॉइंट बी है, मेंबर बी बी सी है, एक साइड फिक्स सपोर्ट है, दूसरी साइड भी फिक्स ही रहता है। जो भी ई आई का वैल्यू 2 I है, 4 I है, वो सब लेना है, तो 5 BA में 2 I है, 6
वन वीक से में 4i है तो वही लेना है, तो 2i 2i हो गया, सिग्मा के 4i आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, के बाय सिग्मा के, दैट इज 0.5 0.5। अगेन सीरियल नंबर 2 उसमें जॉइन सी है तो फिर कौन सा स्थान आएगा, सी बी, और सी बी आएगा तो 4e 4i डिवाइड बाय डेल्टा इज इक्वल टू 2i, एंड 3 अगेन 3 ई आई डिवाइड बाई 3 बिकॉज एक साइड है वो सिंपल सपोर्ट है इसलिए 3i बाय सी डी, डी सपोर्ट है वो सिंपल सपोर्ट है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 3i बाय एल, दैट मीन्स 3i बाय 3 इंटू इज इक्वल टू ई आई। तो आपको टोटल मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट किया, ई सपोर्ट है वो फिक्स सपोर्ट है दैट मीन्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 आएगा, डी सपोर्ट है वो सिंपल सपोर्ट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 आएगा। आपको क्या करना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अभी करना है तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पहले लिखना होता है 0.5.5 0.67 0.331। तो अभी क्या है यहाँ पे आपके पास फ्री एंड मोमेंट कितना है 18 माइनस 18 27 27 00 बैलेंस डी एंड कैरी ओवर टू सी, तो बैलेंस डी करने के लिए 0 इंटू 1 क्या आएगा 0 आएगा 0। देन इनिशियल मोमेंट कितनी आएगी 0 0 27 27 माइनस 18 18। तो अभी एक साइड फ्री सपोर्ट हो सिंपल सपोर्ट हो तो आपको कैरी ओवर बैलेंस करके आपको क्या करना है, कैरी ओवर करते करते आपको लेफ्ट हैंड सपोर्ट जो भी है वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंट 0 0 27 27 माइनस 18 18 है। अभी क्या है बैलेंस नेक्स्ट ज्वाइन करना है, बैलेंस सी एंड कैरी ओवर टू बी, तो यहाँ पे 27 है तो उसको माइनस 27 लेके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू लिखना है और इसको क्या है कैरी ओवर करना है, ये जो मोमेंट है ना सी वाला उसको कैरी ओवर करना है दैट मीन्स माइनस 18.09 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो माइनस 9.05 आएगा। ओके फिर अगेन इनिशियल मोमेंट फाइंड आउट करना है दैट इज 0 माइनस 8.91 देन 8.91 देन 17.95 माइनस 18 और 18। तो इनिशियल मोमेंट आपको मिला अगेन बैलेंस बी एंड कैरी ओवर टू ए, तो बैलेंस बी करने के लिए माइनस 18 17.95 ओके करेंगे तो माइनस में साइन आएगा तो आपको प्लस लेना है जो भी आता है प्लस साइन लेके इंटू 0.5 0.5 तो 0.025 ओके। तो 0.025 दोनों में मिला, अभी 0.025 कैरी ओवर ए पर करना है दैट मीन 0.025 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.012 ओके। अभी नेक्स्ट अगेन आपको टोटल करना है मोमेंट्स का, तो 0 माइनस 8.91 प्लस 8.91 17.95 माइनस 0.025 दैट मीन्स 18 माइनस 18 18। तो एम एफ ए बी बी ए बी सी सी बी सी डी वो सब आपको मिल गया। बैंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको आपके पास ये मोमेंट है उससे से ही आपको डायरेक्टली ड्रॉ करना है ओके। तो आपके पास ये मोमेंट है कितना है 18 है दैट इज पॉजिटिव, मोमेंट एट बी ए कितना है दैट इज बी ए दैट इज अगेन बी ए एंड ए बी ओके। देन मोमेंट एट बी सी कितना है मोमेंट एट बी सी इज अगेन 18 एंड मोमेंट एट सी बी इज मोमेंट एट सी दिस वन इज योर पॉइंट सी सी, मोमेंट एट सी डी कितना है दैट इज 8.91 है, यहाँ पे कितना है 18 है ओके और यहाँ पे कितना है 18 है। तो यहाँ पे जो भी है मोमेंट दैट इज एम एफ ए डी 18 किलो न्यूटन मीटर दैट इज पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव को नीचे लिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा दैट इज माइनस 18 ओके, इसलिए यहाँ पे हमने 18 नेगेटिव यहाँ पे लिया है। देन ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज आपको नीचे साइन लाइन के नीचे जो भी आपका मोमेंट है 18 है पॉजिटिव दिखा रहा है तो नेगेटिव भी क्या आएगा नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल लाइन के ऊपर आपका नेगेटिव आता तो वो पॉजिटिव आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता, पर यहाँ पे क्या है लाइन के नीचे पॉजिटिव आपको दिखाना पड़ रहा है तो आपका नेगेटिव नीचे ही आएगा लाइन के नीचे। यहाँ पे लाइन के नीचे जो साइन है फॉर एग्जांपल पॉजिटिव मोमेंट है तो नेगेटिव भी नीचे दिखाना है और फॉर एग्जांपल लाइन के ऊपर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऊपर दिखाना है ऐसा है ओके।
Determine the support moments and flow bending moment diagram for the beam shown in the figure by moment distribution method. यहाँ पे एक मोमेंट दिया है, ओके वो आपको 90 किलो न्यूटन मीटर दिया है, दूसरा कोई लोडिंग इस पे दिया नहीं है, और जो भी ए सपोर्ट है दैट इज सिंपल सपोर्ट, एंड सी सपोर्ट है दैट इज योर फिक्स सपोर्ट, फिक्स एंड मोमेंट एम एफ ए बी. तो क्या है ये फॉर्मूला, डायरेक्ट हमें दिया है प्लस एम बी टू ए माइनस बी एल स्क्वायर, मोमेंट कितना है 90, बी कितना है दैट इज 1.8, टू ए कितना है 1.2, एंड बी कितना है दैट इज 1.8 डिवाइड बाय एल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, तो 10.8 आएगा. एम एफ बी ए कितना है, फॉर्मूला में सब सिंपली आपका इक्वेशन में सब वैल्यूज रख तो आपको मिल जाएगा. फॉर स्पान ए बी बोथ द फ्री एंड मोमेंट्स आर पॉजिटिव, स्पान ए बी में बोथ द एंड्स क्या है पॉजिटिव, बोथ द मोमेंट्स आर पॉजिटिव. एम एफ बी सी एंड सी डी, सी डी क्या है जीरो है, तो अभी आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करोगे. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में जॉइंट बी ए सी है, तो बी है तो बी टू ए और बी टू सी है, तो बी टू ए और बी टू सी, बी टू ए कौन सा है तो 3a/l आएगा, और बी टू सी कितना आएगा 4a/l आएगा. ओके तो एल का वैल्यू फर्स्ट मान के लिए 3 है, सेकेंड बी सी के लिए 4 है, तो 2ai आया. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, के डिवाइड बाय सिग्मा के है दैट इज 0.5 0.5, अगेन ए सपोर्ट है दैट इज सिंपल सपोर्ट इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 आएगा, और सी सपोर्ट है दैट इज फिक्स सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज 0. देन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखना है, मोमेंट्स लिखना है, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल सपोर्ट ये है तो आपको बैलेंस करके उसको कैरी करना है, तो यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए 10.8 बैलेंस करने के लिए कितना करना पड़ेगा, -10.8 करना पड़ेगा. ओके तो कैरी ओवर करेंगे दैट मीन्स 10.8 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 5.4. ओके और इनिशियल मोमेंट मिलेगा आपको 0 0 23.5 दैट मीन्स 28.8 माइनस 5.4 टू 23.4 एंड 0 अगेन बैलेंस बी एंड कैरी ओवर टू सी. तो बैलेंस बी हमें करना है, तो बैलेंस बी आप देख सकते हो सिंपल सपोर्ट जिस पे भी हो तो सिंपल सपोर्ट और एक्सैक्ट फिक्स सपोर्ट है, तो सिंपल सपोर्ट से बैलेंस कैरी ओवर बैलेंस कैरी ओवर करके हम जहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट है वहाँ पे जा रहे हैं. ओके दैट मीन्स ये मेथड है कि फॉर एग्जांपल सिंपल सपोर्ट है तो वहाँ पे मोमेंट बैलेंस करो, देन नेक्स्ट जॉइंट पकड़ो उसको, उसमें जो भी है उसको बैलेंस करो कैरी ओवर करो, देन नेक्स्ट जॉइंट पकड़ो बैलेंस करो कैरी ओवर करो. ओके ये मेथड है. ओके यहाँ पे आपको अगेन बैलेंस करने के लिए चेक करना पड़ेगा बैलेंस भी, दैट मीन्स 23.4 इंटू 0.5 0.5, तो साइन कौन सा लगेगा माइनस लगेगा, -11.7 है, अगेन इधर बैलेंस एंड कैरी ओवर तो -11.7 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -5.8 है, टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनल मोमेंट मिलेगा 0.11.7 -11.7 -5.85 दैट इज योर फाइनल मोमेंट. एम एफ एम ए बी 0, एम बी ए 11.7, एम बी सी -11.7 एंड एम सी बी दैट इज -5.85. अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मुझे फाइंड आउट करना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एम एफ ए डी 0 है और एम एफ सी डी और बी सी, एम एफ बी सी जीरो होगा बिकॉज यहाँ पे कोई लोडिंग ही नहीं है. ओके बट आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज एक मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो आर बी इंटू क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, आपको फॉर्मूला पता ही है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आर बी इंटू जो भी स्पान है ओके दैट इज 3 एंड 90 क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो अभी इतना मिलेगा 30 और आर ए 2 -30, तो उसमें से आपको मोमेंट एट देखो हमने जो भी आगे एग्जांपल्स किए थे उसमें देखा था कि भाई जिस पॉइंट पे आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चैप्टर है उसमें आपने देखा था कि जिस पॉइंट पे मोमेंट दिया हो उसमें लेफ्ट हैंड मोमेंट और राइट हैंड मोमेंट लेना पड़ता है. फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट हैंड मोमेंट ले रहे हैं तो क्या आएगा मोमेंट डी एट फ्रॉम एल एच एस, तो कितना आएगा दैट इज -30 एंटी क्लॉकवाइज, 30 इंटू 1.2 आएगा ओके दैट इज -36 किलोमीटर मीटर.
अभी एमए मोमेंट एट दी आरएचएस करना है तो दैट इज 30 × 1.8 मोमेंट एट दी आरएचएस 30 × 1.8 ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज उसको पॉजिटिव लिखा होता है। दैट मीन्स फ्रॉम सपोर्ट ए टू बी आप जा रहे हो, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड सपोर्ट पे से मोमेंट ले रहे हो तो क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। एंड जो भी लास्ट सपोर्ट फ्रॉम व्हेन वी टेक मोमेंट फ्रॉम राइट हैंड सपोर्ट तो क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव रहेगा। ओके आपके पास यहाँ पे मोमेंट्स मिल रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव ये है। ओके देन यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया नेगेटिव मोमेंट दैट इज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके थैंक यू।